गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स. सो आज का जो लेक्चर है वो हमारे किस पे, स्टीम जनरेटर्स के ऊपर, और उसका फर्स्ट जो थियरी है दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर. ठीक है, थियरी इंपॉर्टेंट है, करनी है, मोस्ट आईएमपी इसको नहीं कह सकते लेकिन करनी जरूरी है. क्लासिफिकेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन एज अकॉर्डिंग टू योर ट्यूब कंटेंट. तो ट्यूब कंटेंट के अंदर फर्स्ट टाइप है फायर ट्यूब बॉयलर एंड सेकंड है वाटर ट्यूब बॉयलर. ओके, नाउ अगर आप, मैं बोलूं कि अगर आप पहली बार बॉयलर में पढ़ रहे हो या फिर आपके लिए बॉयलर फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो व्हाट इज बॉयलर, बॉयलर क्या है? बॉयलर इज अ डिवाइस विच जनरेट द स्टीम, एक ऐसा डिवाइस जो स्टीम जनरेट करता है. ठीक है, तो उसके अंदर एक वर्ड लिखना जरूरी है कि डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर. यानी अगर घर पे अगर मैं कोई वेसल के अंदर कुछ बर्तन के अंदर अगर मैं पानी रख दूँ, उबाल दूँ, तो वो भी तो स्टीम जनरेट कर रहा है. तो ऐसा नहीं है, बॉयलर अगर आपको स्टीम जनरेट करके दे रहा है तो वो कोई डिजायर्ड प्रेशर डिजायर्ड टेम्परेचर पर दे रहा है. ठीक है, तो डेट इज़ योर बॉयलर. तो बॉयलर एक्चुअली होता क्या है, अगर आप दिमाग में अगर सोचो कि एक प्रेशर कुकर जैसा है. ठीक है, एक वेसल है, एक सिलेंडर है कि जिसके अंदर पानी भरा है, नीचे से हम गर्म कर रहे हैं और स्टीम जनरेट हो रही है. ठीक है, बॉयलर इतना सिंपल नहीं है, बॉयलर थोड़ा इसके कॉम्प्लिकेटेड है. अभी के बॉयलर तो बहुत एडवांस हो चुके हैं. ठीक है, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. पहले फायर ट्यूब बॉयलर समझा रहा हूँ. एक ड्रम के अंदर अगर मुझे पानी गर्म करना हो यानी स्टीम जनरेट करनी हो, अगर ड्रम के अंदर पानी भरा है, ठीक है, तो नीचे से अगर मैं फर्नेस या बर्नर स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर से जो भी गैस बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, फ्ल्यू गैसेस. इसको हम क्या कहेंगे, फ्ल्यू गैसेस. जितने भी गैसेस है वो हीट कहाँ से, उसको हीटिंग कहाँ से करेंगे, ड्रम को कहाँ से गर्म करेंगे, इस साइड से. ठीक है, तो ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है. सो मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रम के अंदर ट्यूब्स रख रहा हूँ. सपोज ऐसी ट्यूब रख दी और ट्यूब जा रही है पीछे तक, ड्रम के अंदर ट्यूब रखी है थ्रू आउट इट्स लेंथ, उसकी पूरी लेंथ के अंदर ट्यूब रखी है. अगर ये फ्ल्यू गैसेस मैं ट्यूब के अंदर से पास कर रहा हूँ, ऐसे ट्यूब के अंदर से पास कर रहा हूँ और यहाँ से वो बाहर निकल रहे, ट्यूब के सराउंडेड जितना भी एरिया है वो हीट किसको करेगा, पानी को. यानी आपका जो हीटिंग एरिया है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है. ठीक है, तो पानी जल्दी इवोपरेट होगा, यानी स्टीम आपकी जल्दी बनने वाली है क्योंकि आप हीटिंग एरिया बढ़ा रहे हो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब. तो बेसिकली ट्यूब के अंदर से कौन पास हो रहा है, फ्ल्यू गैसेस. अगर ट्यूब के अंदर से फ्ल्यू गैसेस पास हो रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे, सपोज आप उसको आउट दे रहे हो चिमनी, यहाँ से चिमनी में से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो अगर ट्यूब के अंदर से फ्ल्यू गैसेस पास हो रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर. इसका अपोजिट अब दूसरी अरेंजमेंट दिखा रहा हूं. अगर एक ड्रम है, ड्रम के अंदर आप पानी भर दो पहले. अब यहां से एक लाइन निकालो पानी की, यहां से एक ट्यूब दे दो वर्टिकल और इसमें से मल्टीपल ट्यूब्स दे दो, ऐसे ऐसे मल्टीपल ट्यूब दे दो. अब या अगर आप ड्रम के अंदर पानी भरा है तो ऑफकोर्स इस ट्यूब के अंदर भी क्या होगा, पानी होगा, यानी सारी ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, पानी भरा होगा. अब यहाँ से अगर मैं फ्ल्यू गैसेस को पास करता हूँ, कहाँ से, ट्यूब के ऊपर से अगर मैं फ्ल्यू गैसेस को पास कर रहा हूँ, तो ट्यूब के अंदर जो पानी है वो आपका क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम जनरेट करेगा. यानी जो भी स्टीम बन रही है वो यहाँ से ड्रम के ऊपर जमा होती जाएगी. तो अगर आप इस तरीके से स्टीम बना रहे हो, यानी बॉयलर की अरेंजमेंट अगर ऐसी है कि ट्यूब के अंदर क्या भरा है, पानी, अगर ट्यूब के अंदर पानी है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर फ्ल्यू गैसेस ट्यूब के अंदर पास हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, फायर ट्यूब. अगर ट्यूब के अंदर पानी है
तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर जितने भी हैं अभी जो रिसेंटली अभी जो इंडस्ट्री में हाई प्रेशर या पावर प्लांट्स के लिए जो भी यूज़ होते हैं वो सभी कौन से, वाटर ट्यूब बॉयलर ही होते हैं। जनरली फायर ट्यूब बॉयलर पुराने होते थे जो शुरुआत के जो स्टीम इंजिन या उसमें जो यूज़ होते थे, तो उसके लिए फायर ट्यूब बॉयलर जनरली यूज़ होते थे। क्लासिफिकेशन का दूसरा जो पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू फर्नेस, यानी फर्नेस की पोजीशन कौन सी है। तो फर्स्ट उसके अंदर है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। ठीक है, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर में क्या होगा, जो अभी मैंने ड्रॉ किया कि अगर ड्रम के बाहर आप फ्लू गैसेस पास कर रहे हो, ठीक है, जो अभी वाटर ट्यूब की बात की, तो जितने ड्रम के बाहर अगर आप फायर्ड कर रहे हो यानी फर्नेस उसके बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अगर ड्रम के अंदर ही आपकी फर्नेस है यानी आप ड्रम के अंदर एक ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर ही आप जो भी कोयला या जलाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनली फायर्ड। रिपीट, अगर सिलेंडर जो आपका जो ड्रम है ड्रम के अंदर ही आप कंबशन कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। और अगर आपकी जो फर्नेस है कंबशन जहाँ भी हो रहा है तो वो ड्रम के अगर बाहर की साइड है अलग से अरेंजमेंट की हुई है उसकी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। थर्ड हमारा जो पॉइंट है दैट इज आवर वाटर सर्कुलेशन, यानी अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन। अभी जो हमने एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर ड्रम के अंदर पानी है, ठीक है, यहाँ से मैं ट्यूब बाहर निकाल रहा हूँ, जब जितनी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है जितनी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है वो वापस अटैच कर रहा हूँ ड्रम के साथ, ठीक है, तो ड्रम के अंदर का जो पानी हो यहाँ ट्यूब में आएगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में और यहाँ से वापस ऊपर जाए, यानी सभी ट्यूब्स के अंदर अभी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फ्लू गैसेज जैसे ही पास करना स्टार्ट करूँगा तो फ्लू गैसेज पास होने के बाद क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी वो अपने आप यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि हमें पता है स्टीम इज़ लाइटर, पानी से स्टीम ज़्यादा हल्की है, तो वो कहाँ जाएगी, यहाँ से ऊपर ट्रैवल करेगी। यानी ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो साइकिल बन रही है, पानी यहाँ से नीचे आएगा ट्यूब्स में जाएगा, ट्यूब्स में से स्टीम जनरेट होगी और स्टीम वापस कहाँ जाएगी, ड्रम के अंदर जाएंगी। तो ये जो पूरा सर्कल बन रहा है यानी पूरी साइकिल बन रही है दैट इज योर थर्मोसाइफन साइकिल, जो यानी ये अपने आप चल रही है। ठीक है, इस ये जो मुझे साइकिल चलाने के लिए यानी पानी को ट्रैवल करने के लिए मुझे कोई पंप की जरूरत नहीं यहाँ पर, तो इट्स अ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। ये कौन सा है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगर इसी साइकिल को मुझे चलाने के लिए मुझे पंप रखना पड़े यहाँ पर बीच में, सपोज मैंने एक पंप रख दिया तो पंप अगर मुझे रखना पड़े तो इट्स कॉल्ड अ फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो फर्स्ट इज नेचर सर्कुलेशन, जो अपने आप साइकिल चलती रहेगी, यानी पानी ट्यूब्स के अंदर आएगा, इवोपरेट होगा, स्टीम बनेगी, वो अपने आप ड्रम में जाएगी, तो दैट इज नेचर सर्कुलेशन बॉयलर। और दूसरा कौन सा था, अगर उसी साइकिल को चलाने के लिए मुझे पंप रखना पड़े तो उसे हम कहेंगे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है अकॉर्डिंग टू फील्ड एप्लीकेशन, यानी आप बॉयलर को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो उसके अंदर दो ही टाइप है, स्टेशनरी एंड मोबाइल। तो स्टेशनरी बॉयलर हमें पता है कि एक जगह पर फिक्स हो गया, एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा, ब्रिक्स वर्क्स होगा, उसके ऊपर बॉयलर को बिठाया होगा, तो दैट इज़ योर स्टेशनरी बॉयलर। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ है यानी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, तो उसमें जो बॉयलर्स है उसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो सभी कौन से थे, स्टेशनरी बॉयलर। तो दूसरे कौन से, तो लोकोमोटिव, जो आपके स्टीम इंजिन्स थे यानी रेलवे और मरीन इंजिन्स, जो बोट स्टीमर, जो हम स्टीमर बोलते हैं, तो स्टीमर वो सब में जो बॉयलर्स यूज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मोबाइल बॉयलर कहेंगे। सो रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इज मोबाइल बॉयलर, जो कहाँ पर यूज़ होते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर कहेंगे उसको, या फिर मरीन, जो स्टीमर के अंदर यूज़ होते हैं। सो बोथ आर मोबाइल बॉयलर। और दूसरे बॉयलर कौन से थे, जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी बॉयलर। सो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर। तो सिंपल उसके तीन टाइप, है। फर्स्ट लो प्रेशर,
मीडियम प्रेशर, एंड थर्ड इज हाई प्रेशर. सो क्लासिफाई कैसे करेंगे, कौन सा मीडियम है कौन सा हाई है? सो आपको याद रखना है, अगर प्रेशर 20 बार से कम है, अगर आपका प्रेशर 20 बार से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, लो प्रेशर बॉयलर. अगर आपका प्रेशर 60 बार से भी अप है, अगर प्रेशर ग्रेटर देन 60 बार तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर कहेंगे. अगर प्रेशर बिटवीन 20 टू 60 है तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम प्रेशर बॉयलर कहेंगे. इसके अलावा एक और इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट इज क्रिटिकल बॉयलर, यानी जो बॉयलर 221 बार पे काम कर रहे हैं. ट्रिपल पॉइंट वाली थियरी में हमने क्या बात की थी कि वाटर का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 221 बार. अगर क्रिटिकल पॉइंट पे कोई बॉयलर काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल बॉयलर कहेंगे. ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर या क्रिटिकल बॉयलर. अगर 221 से ऊपर अगर बॉयलर काम कर रहा है तो उसे हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर. उसे हम क्या कहेंगे, सुपर क्रिटिकल बॉयलर. अगर प्रेशर ग्रेटर देन 221 बार है, अगर 221 बार से नीचे है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब क्रिटिकल बॉयलर. पी इज लेस देन 221 बार. बस तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रेशर में यही याद रखना है, लो मीडियम हाई और नेक्स्ट इज क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल बॉयलर. ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू एक्सिस, यानी उसका जो ड्रम है बॉयलर का ड्रम वो कैसे है. तो उसके अंदर पॉइंट है वर्टिकल बॉयलर एंड हॉरिजॉन्टल बॉयलर. वर्टिकल बॉयलर में जनरली ड्रम कैसे होंगे, वर्टिकल ऑफ कोर्स, उसकी एक्सिस कैसी होगी, वर्टिकल, यानी उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी उसके डायमीटर से अकॉर्डिंग. वर्टिकल कौन से, कोकरन बॉयलर जो हम अभी देखने हमें उसके बाद देखेंगे. तो कोकरन बॉयलर इज अ वर्टिकल बॉयलर. कॉर्निश बॉयलर, लैंकेशायर बॉयलर, जितने भी है वो सब हॉरिजॉन्टल बॉयलर है. लोकोमोटिव जो ट्रेन का, जो आपने बात की थी, ट्रेन का जो इंजन है वो कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल, यानी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसकी रहेगी ड्रम की. नाउ नंबर सेवन, सो इट्स अकॉर्डिंग टू ट्यूब कर्वेचर, यानी अगर बॉयलर के अंदर आपकी ट्यूब, आपकी जो, यानी अगर बॉयलर के अंदर आपकी जो ट्यूब्स है वो स्ट्रेट है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर. लेकिन अगर कर्वेचर है, जो कुछ बॉयलर के अंदर जो हाई प्रेशर बॉयलर है उसके अंदर जनरली ट्यूब स्ट्रेट नहीं होती, उसको कर्वेचर में रखते हैं ऐसे. देयर इज अ बंच ऑफ ट्यूब्स, सो जो जितनी भी ट्यूब्स है वो कैसे रहेंगी, ऐसे ट्यूब्स का हुए कर्वेचर में रहेंगी. सो उससे हम क्या, सो इसे क्या कहेंगे, इट्स अ बेंड ट्यूब बॉयलर. और जिसकी ट्यूब स्ट्रेट है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर. चलो नाउ नंबर एट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, यानी बॉयलर के अंदर ट्यूब्स कितनी है. जनरली बॉयलर में एक से ज़्यादा ही ट्यूब होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टी ट्यूब बॉयलर. यानी जब ट्यूब ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी ट्यूब बॉयलर. लेकिन अगर बॉयलर के ड्रम के अंदर एक ही ट्यूब है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो ट्यूब बॉयलर. जनरली कॉर्निश बॉयलर इज अ मोनो ट्यूब बॉयलर. जनरली जितने भी बॉयलर्स होते हैं उसके अंदर मल्टी ट्यूब ही ज़्यादातर यूज़ होती है, बिकॉज आपको हीटिंग एरिया ज़्यादा मिलेगा, जल्दी आपकी स्टीम बनेगी. सो मोनो ट्यूब, पुराना कॉर्निश बॉयलर जो होता था उसके अंदर सिंगल एक ही ट्यूब होती, तो इट्स कॉल्ड अ मोनोट्यूब बॉयलर. ठीक है, नाउ नंबर नाइन इज अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स, यानी आप बॉयलर को हीट कैसे दे रहे हो. हर फ्यूल के लिए मुझे एक उसकी पूरी अरेंजमेंट चाहिए, यानी उसको फीड कैसे करोगे, उसको बाहर कैसे निकालोगे. अगर ऑयल है तो कैसे उसको फ्लो मेंटेन करोगे, अगर कोयला है तो उसको बाहर कैसे निकालोगे, उसको नया कोयला आप डालोगे कैसे अंदर, तो उसके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए. सो डिपेंड ऑन फ्यूल आपकी बॉयलर की अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो पहले, सबसे पहले कोल फायर्ड. जनरली कोल फायर्ड बॉयलर ज़्यादातर, अभी तक तो कोल फायर्ड ज़्यादातर यूज़ होते थे, लेकिन अब इसके अलावा कौन कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दैट इज गैस फायर्ड. यानी सीधा आप बर्नर के अंदर एयर प्लस गैस मिला दो, यानी गैस यानी फ्यूल, यानी आप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोई भी गैस इसके अंदर यूज़ कर सकते हो. डिपेंड ऑन आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपको कौन सा गैस मिल रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज गैस फायर्ड.
थर्ड इज ऑयल फायर्ड, यानी इसमें एज अ लिक्विड फ्यूल होगा आपका, यानी इसके अंदर आप एज अ फ्यूअल लिक्विड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे ऑटोमाइजेशन प्रोसेस चाहिए। आप कैसे लिक्विड को कैसे जलाओगे, उसके लिए बर्नर्स डिजाइन करने पड़ेंगे। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फायर्ड। इलेक्ट्रिक फायर्ड बॉयलर के अंदर जनरली क्या होगा कि जो आप घर पे पानी गर्म करने का जो हीटर होता है ना, बस वैसे ही समझ लो कि एक ड्रम के अंदर इलेक्ट्रिक यानी कॉइल होगी, जो हीटर होंगे कॉइल बेस्ड यानी हीटर्स होंगे जो पानी को क्या करेंगे, हीट देंगे और वो स्टीम जनरेट करेंगे। सो इट्स अ इलेक्ट्रिक फायर्ड बॉयलर। फिफ्थ इज न्यूक्लियर बॉयलर। सो न्यूक्लियर बॉयलर कौन से है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट के अंदर जो यूज होते हैं। सो वो न्यूक्लियर जो भी हमारा फ्यूल है उसको यूज करके क्या बनाएंगे, स्टीम जनरेट करेंगे। सो इट्स अ न्यूक्लियर बॉयलर। एंड सिक्स लास्ट वन इज वेस्ट हीट बॉयलर। वेस्ट हीट बॉयलर किसको कहेंगे हम, अगर कोई कंपनी है, कोई मेरे पास कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई हीट वेस्ट जा रही है, सपोज अगर मेरे पास इंजिन्स है, इंजिन्स का जो एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट गैस में ऐसे ही चिमनी में जा रहा है, चिमनी में छोड़ रहा हूँ, तो उस एग्जॉस्ट गैस का मैं यूज़ करूँगा किसके अंदर, बॉयलर को चलाने के लिए। तो ऐसी जितने भी पावर प्लांट्स है, कोई केमिकल प्लांट्स है, जहाँ पर भी वेस्ट हीट हो आपकी जा रही है, कोई हीट आप वेस्ट में जाने दे रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, बॉयलर यूज़ करोगे, तो उस हीट को आप रिकवर कर सकोगे। सो इट्स अ वेस्ट हीट बॉयलर। ठीक है, नंबर 10 इज अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट सिस्टम। सो व्हाट इज ड्राफ्ट बेसिकली, तो अगर मैं ड्रम की बात करूँ, अगर मेरे पास एक ड्रम है, सपोज ये समझ ले कि लोकोमोटिव वाला ड्रम है, यानी यहाँ पे ट्यूब्स दे रखी है, नंबर्स ऑफ ट्यूब्स हियर, जिसके अंदर से फ्लू गैसेस पास हो रहे हैं, यानी गैसेस यहाँ से, अगर मेरी फर्नेस या कंबशन चैम्बर अगर यहाँ पर है, यहाँ पर जितना भी कंबशन हो रहा है सारा फ्लू गैसेस यहाँ से निकल के बाहर यहाँ से जा रहा है, और मैंने यहाँ पे एक चिमनी दे दी, सपोज गैसेस फर्नेस से ट्यूब्स में होके चिमनी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो गैसेस चिमनी से बाहर निकलेंगे ही क्यों, वो यहाँ से रिटर्न नहीं आ सकते, तो चिमनी हमने क्यों रखी है, क्योंकि वो ड्राफ्ट क्रिएट कर रही है। ड्राफ्ट मतलब प्रेशर डिफरेंस, चिमनी का जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो, और यहाँ फर्नेस के पास जो एयर प्रेशर है वो, तो दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। चिमनी रखने से आपका प्रेशर यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी आप सबको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी प्रेशर थोड़ा सा कम होता जाएगा जैसे आप हाइट पे जाओगे। तो चिमनी अगर हाइटेड है, बड़ी सी चिमनी है, तो ऊपर प्रेशर कौन सा, ऊपर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, और नीचे प्रेशर कैसा रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। सो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, यानी वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएंगे, यानी आपके जो फ्लू गैसेस है उसको एक रास्ता दे रहे हो आप, यानी वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर प्रेशर कम है चिमनी के ऊपर तरफ वो अपने आप मूव होंगे। सो इट्स अ ड्राफ्ट सिस्टम। अगर फ्ल्यू गैसेस अपने आप कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, यानी फर्नेस से चिमनी की ओर मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो इट्स अ नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम, यानी ये प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो अपने आप क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ चिमनी। आप अगर आप चिमनी रख रहे हो, चिमनी रखने का कारण ही यही है कि आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सको और आपका गैस फ्ल्यू गैसेस है वो चिमनी से बाहर निकल जाए, तो इट्स अ नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम। लेकिन अगर यही सिस्टम, अगर मुझे यही गैसेस को फ्लो करना है और उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए अगर मैंने फ़ैन रख दिए, यानी चिमनी के ऊपर मैंने सपोज़ यहाँ पे फ़ैन लगा दिए, ये ऊपर का पॉइंट मैं ड्रॉ करूँ, सपोज़ ये चिमनी है, तो चिमनी के ऊपर या फिर नीचे अगर आप इसके लिए फ़ैन यूज़ कर रहे हो, तो इट्स कॉल्ड अ फोर्स्ड ड्राफ्ट सिस्टम। यानी एक नेचुरल सिस्टम है और एक फोर्स्ड ड्राफ्ट सिस्टम है, यानी उसको आर्टिफिशियल ड्राफ्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से, सबसे पहले कौन सा था, अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट, उसमें कौन सा था, फायर ट्यूब वाटर ट्यूब। सेकंड हमारा कौन सा था, अकॉर्डिंग टू फर्नेस पोजीशन, उसमें कौन सा था, एक्सटर्नली फायर्ड इंटरनली फायर्ड। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा था, अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन, तो उसके अंदर था नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स सर्कुलेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, सो इट्स अ स्टेशनरी बॉयलर एंड मोबाइल बॉयलर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर, तो उसमें कौन सा था,
लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, और उसके एडवांस में क्या क्या लिखा था हमने, क्रिटिकल बॉयलर, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। उसके बाद था सिक्स नंबर पर अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ ड्रम, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्यूब कर्वेचर, तो उसमें कौन सा था, स्ट्रेट ट्यूब एंड बैंड ट्यूब, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, नंबर ऑफ ट्यूब्स, तो उसके अंदर क्या था, मोनोट्यूब और मल्टी ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद कौन सा देखा था, अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स, तो उसमें पहले कौन कौन से थे सोर्सेस हमारे, कॉल फायर्ड, ऑयल फायर्ड, गैस फायर्ड, इलेक्ट्रिक फायर्ड, न्यूक्लियर बॉयलर और वेस्ट हीट बॉयलर, ठीक है। और लास्ट में जो हमने देखा वो कौन सा था, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट सिस्टम, तो उसके अंदर था नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, ठीक है। सो यहीं पे हमारी ये क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर खत्म होता है। आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कौन कौन से बॉयलर, आप उसके अकॉर्डिंग दो लाइन तो आप लिख ही सकते हो। जब भी एग्जाम में अगर थियरी आपको डिटेल में पूछी हो तो जितने भी पॉइंट्स हमने, दो दो लाइन तो आपको लिख ही सकते हो हर एक जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपकी ये थियरी खत्म होती है। नेक्स्ट थियरी जो हम देखने वाले हो कौन से थे, दो थियरी हमें कंप्लीट करनी है, कोकरन बॉयलर और बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। सो अभी इस थियरी में अगर कोई डाउट और प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।